तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो आज ना एक जगह सेवा है, तो मैं और हमारे जो पास्टर है, मेरे सर भी है, मेरे टीचर भी हैं, हमें बाइबल कॉलेज के टीचर भी हैं, हमारे पास्टर भी है, तो हम लोग जा रहे हैं सेवा में। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ, क्या क्या सीखेंगे देखते हैं। तो लंच वंच कुछ भी नहीं किया अभी, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, 7:55 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं और ब्रेकफास्ट खाना वाना सब उधर ही करेंगे। तो अभी ये पास्टर रूबेन भी जा रहे हैं हमारे साथ, तो इस गाड़ी में जाएंगे हम, सर की गाड़ी है, तो वहाँ पर हमारे टीचर हैं, वो भी चल रहे हैं हमारे साथ में। और जय मसीह सर, जय मसीह, जय मसीह। तो निकलते हैं अब। तो हम लोग यहाँ से ऐसे होते हुए इस रास्ते से जाएंगे। आज मौसम भी अच्छा, आज गर्मी नहीं है, दो दिन बहुत ख़तरनाक गर्मी पड़ रही थी, बाप रे मत बोलो। आज थोड़ा हवा हवा भी चल रहा है और बहुत अच्छा मौसम है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो चलते हैं अंदर, अभी बैठते हैं। अभी एक और भाई, मंटू भाई बोल के एक विश्वासी भाई है, उनको भी पिक करेंगे। चलते धन्यवाद सर, प्रे प्रभु। आज हामी जुन क्लासेस को लागि गइरहेका छौ, आमेन। चल निकलते हैं अभी। देखो बैम्बू की झाड़ी ऐसी होती है, बैम्बू, ये सब बैम्बू का खेत है। आशीष भाई, यस सर, तुम्हें हेलमेट क्यों ना लगा को? मैं तो भूल गया। मैं स्कूटी में आया था यहाँ तक, तो भूल गया, स्कूटी में आया था सर के घर तक, तो हेलमेट लगा के आ गया। मैं कार में हेलमेट लगा के बैठा हूँ सर, सेफ्टी। भूल गया हेलमेट खोलना। हेलमेट ही खोलने भूल गया, तो खैर निकलते हैं अभी। तो मंटू भाई भी आ गए, जमेश भाई ठीक ठाक एकदम? प्रभु का आशीष से सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। अच्छा है को कैसे बोलते हैं उड़िया में? भालोचो, भालोचो। अच्छा बंगाली में भी तो भालो आछो बोलता है। भालो अच्छी, नहीं नहीं भालो आछो, अगर मैं पूछ रहा हूँ आपको, तो इफ मैं अगर आपको पूछ रहा हूँ तो भालो आछो, उड़िया में भी ऐसे बोलते हैं क्या? भालो अच्छी, भालो अच्छी। नहीं, अगर किसी को पूछ रहा है ना कैसा है तो क्या बोलेगा? अच्छा केमुन तो अच्छा, केमित अच्छा, अच्छा अच्छा, क्या मत अच्छे ठीक है। तो अभी हम लोग जहाँ सेवा करने आए हैं वो जगह है ये देखिए, यहाँ पर हमारा सेवा होगा। एक्चुअली जो ये सेवा है ओनली फॉर मेल्स, और ये बुक्स भी यहाँ पर है, शायद हम लोगों को देंगे, मुझे मालूम नहीं, बट इफ़ हमें देंगे तो और भी अच्छा है। बुक्स वगैरह है, निकाल रहे हैं। ये बिमल, पास्टर बिमल की गाड़ी है, पास्टर बिमल हम जानते हैं, हम पिछले बार इनके यहाँ गए थे सेवा में, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये एक्चुअली ऑर्फेनेज भी है आई थिंक, जिन तो यहाँ पर है सेवा हमारा। यहाँ पर देखो ये बांस, मैं दिखाता हूँ, देखो ये बैम्बू जो है ना ये बहुत महंगा है, ये सजाने के लिए है। देखो बैम्बू प्लांट, ट्री बोलूँ, इसका हाइट ज़्यादा नहीं होता है, ये देखिए इसका हाइट बहुत कम होता है ये बैम्बू। और यहाँ पर पता नहीं कौन सा बेरी लगा रखा है,
खा भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा अभी, मैं नहीं जानता, पता नहीं उल्टी उल्टी होने लग गया था। फिर यहाँ पर देखो ये वॉलनट प्लांट, वॉलनट अखरोट का, ये देखो अखरोट इधर ऐसे पड़े हुए हैं। तो अभी चलते हैं सेवा में। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, वहाँ पर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। तो वहाँ पर आप पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं सही से, लेकिन यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये पूरा टी गार्डन है, यहाँ से लेकर वहाँ तक टी गार्डन। और ये देखो कितना खूबसूरत, ऊपर से कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। हाँ ये देखो, ये इतना ऊंचा में आ गया, देखो शायद फिफ्थ फ्लोर में हूँ मैं, पता नहीं फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर में। और ये घर देखो कितना खूबसूरत है, लकड़ी का घर है, हाफ ऊपर ऊपर लकड़ी, नीचे सीमेंटेड है, लेकिन देखो कितना खूबसूरत घर है। तो छोटा सा शायद बास्केटबॉल कोर्ट भी है उधर ना, कितना खूबसूरत। देखो हमारे इधर ऐसे ऐसे घर होते हैं इस टाइप का, ऐसा डिजाइन का। तो हमारा जो सेवा होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर लगा के स्पिरिचुअल लीडरशिप सेमिनार है ये एक्चुअली। और हमारे अलग अलग से अलग अलग जगह से लोग आए हैं, वो भाई भूटान से आए हैं, ही इज़ फ्रॉम भूटान। उनका ड्रेस देखिए बिल्कुल अलग है भूटान का। यहाँ पर कुछ बुक्स वुक्स हैं, शायद हमको मिलेगा। जय मसीह थे हम सर। हेलो, जय मसीह। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। और जो सेमिनार है वो कैसा क्या है थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा है सेमिनार, हम लोग लीडरशिप स्पिरिचुअल लीडरशिप सेमिनार चल रहा है अभी। जी जी, कल से शुरू हुआ जी, आज सेकेंड डे है। ओके, बहुत अच्छा है, थैंक यू। और ये बुक्स, दिस बुक्स विल बी गिवन टू द डेलीगेट्स हु हैड कम हियर। देयर आर थ्री बुक्स हियर। ओके, वन इज बैप्टिस्ट डिस्टिंक्टिव। बैप्टिस्ट डिस्टिंक्टिव, यस, दिस इज वेरी नाइस बुक, वेरी वेरी नाइस बुक। या दैट आई विल शो यू। ओके, शो यू बैप्टिस्ट डिस्टिंक्टिव हियर। यस, बिब्लिकल बेसिस फॉर बैप्टिस्ट। यस, ओके, वेरी नाइस बुक। एंड देन दिस इज अनदर बुक called Tribute. Tribute by Dr. James W. Starr, yes, one of my friends, the founder director of Vision 2020 Asia. Okay. And this book is about William Pettigrew of Manipur, okay, final missionary. Okay. And he had written another book called Understanding the Time. Okay. And this also is a very, very good book for today. Okay. And so this will be given to all the जय मसीह विमल पास्टर, जय मसीह, बुक्स ईच, एवरीवन विल गेट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो ये आई ट्रांसलेटेड ऑल, तो ये तीन किताब है हमें मिलेगा। अब इस अभी तो फिलहाल मिला नहीं है, लेकिन अभी मिलेगा। तो जो भी मैं सीखूंगा अंडरस्टैंडिंग द टाइम्स, टाइम्स ऑफ व्हाट, आई थिंक ये पुराना नियम, नया नियम और फिर रेवलेशन, ये सब उसके बारे में, टेबल ऑफ वेलकम, जेनेसिस, हाँ मैं वही बोल रहा था ना, मैंने जो बोला था वो ये इधर, जेनेसिस ऑफ विजन। ये बहुत अच्छी अच्छी किताब है, डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट्स। मैं जब सीखूंगा मैं इसमें से पढ़ूंगा, सीखूंगा, आप लोगों को भी बताऊंगा। देखो, ओके, तो अभी थोड़ा कॉफ़ी पीता हूँ, वैसे मैं चाय कॉफ़ी पीता नहीं, मैं सुबह से कुछ भी नहीं खा के आया, बहुत भूख लग रहा है। तो अभी अभी थोड़ा कॉफ़ी पीऊँगा, बहुत भूख लग रहा है, क्या करूँ। हाँ हाँ, तो पेन भी दिया गया है, पेन वैसे मैं लेके आया था। अच्छा, थैंक यू। नोट पैड भी दिया गया है। कान खा दिया रे। तो ये नोट पैड और पेन भी दिया गया है हमें, वैसे मैं पेन लेके आया था, मैं अपना नोटबुक भी लेके आया था, वचन वचन लिखने के लिए जो जो सीखेंगे। तो ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हमारे भाई, और मैं भी पीता हूँ अभी, उसके बाद में जब सेवा स्टार्ट होगा तब देखेंगे। तो अभी ब्रेक टाइम है, तो अभी कॉफ़ी वॉफ़ी जिसको पीना है वो खुद पी सकता है निकाल के। मैं कॉफ़ी वॉफ़ी इतना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी कॉफ़ी नहीं पीता, नहीं कभी चाय भी नहीं पीता। तो अभी थोड़ी देर पहले पीने का कोशिश किया, तो मेरे से
ज़्यादा चला गया कप में ना, कॉफ़ी पाउडर ज़्यादा चला गया, इतना कड़वा हुआ, बाप रे, मैं फेंक दिया नीचे, यहाँ से नीचे फेंक दिया, बहुत कड़वा हुआ था बा। तो अभी यहाँ पर कॉफ़ी बिस्किट वगैरह भी किसको खाना है वो खा सकता है ना, कॉफ़ी बिस्किट वगैरह ले सकता है अपना मर्जी से। तो यहाँ पर सब लोग ने कॉफ़ी पिया, मैं नहीं पीऊँगा। एक सब्सक्राइबर भाई मिले दार्जिलिंग से, सोनादा से, तो वो बोल रहे थे मैं देखता हूँ आपका वीडियो बोल के, तो अच्छा लगता है, बोला चलो अच्छा ही है। तो अभी ब्रेक हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा टीचिंग है, और मैं जो हमारे जो हमें सिखाया जा रहा है ना, तो मैं मांगूंगा उन PDF मांगूंगा, और वो जो PDF मांग के आप लोगों को भी उस विषय में मैं सिखाऊंगा जो मैं इधर सीखूंगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा खूबसूरत है, खूबसूरती यहाँ पर देखो कितना अच्छा बनाया गया है। बारिश होने वाला है आज, मौसम बहुत अच्छा है, तगड़ा मौसम है आज। तो देखो कितना खूबसूरत यहाँ पर, क्या ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है लेकिन अभी खाली है ये स्विमिंग पूल, छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा। प्रेज द लॉर्ड, हेलो हेलो, जय मसीह, हाउ आर यू ब्रदर? एंड ये ब्रदर हमारे सिक्किम से हैं, ही इज फ्रॉम सिक्किम। नाइस मीटिंग यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। दिस लुक्स लाइक स्विमिंग पूल, yeah, I think this is for appointment now hoga, but this, oh, so is, I thought this is the bill hotel or something. Yeah, they call it as Haven Retreat Center. I think they are using it for ministry purpose, this building. Yeah. Oh, to mujhe lag raha tha ye swimming pool hai, ye swimming pool nahi hai। तो अभी पता चला बात करते हुए कि ये जो मैं तो होटल सोच रहा था इस बिल्डिंग को, लेकिन ये होटल नहीं है, ये बिल्डिंग क्या है, मिनिस्ट्री पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये बपतिस्मा लेने के लिए है। तो यहाँ पर स्विमिंग पूल नहीं है ये, तो यहाँ से चढ़ के मल्टीपर्पस तो यहाँ से चढ़ के यहाँ पर पानी डालते हैं पूरा, और यहाँ पर पानी के अंदर बपतिस्मा लेते हैं। तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि जिस जगह में पानी नहीं है, नदी नहीं है, वहाँ क्या करें। तो वैसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, जिस जगह में ना नदी वदी नहीं है, आप लोग ऐसा स्विमिंग पूल जैसा एक टब टाइप का बना के आप उस, ये देखो ऐसा टब, उसमें पानी डाल के उसके अंदर बपतिस्मा ले सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये घर मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा, ऊपर लकड़ी नीचे सीमेंट, कितना खूबसूरत है, शांति टोटल, कोई गाड़ी का हल्ला चिल्ला नहीं, हमारा इधर कितना शांति। तो अभी सेवा स्टार्ट होगा, मैं एक बार टॉयलेट करने जाता हूँ, फिर निकल जाता हूँ, फिर सेवा में जाएंगे टीचिंग में। तो अभी सेवा जो है वो ख़त्म हो गया है, मैं हर एक चीज़ नहीं दिखा सकता आप लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो सेवा ख़त्म हो गया, अभी सबका हम लोग देख सकते हैं, सबका हेल्थ चेकअप चल रहा है, सबका हेल्थ चेकअप, या ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं और साथ में ब्लड शुगर भी नाप रहे हैं। तो ये फ्री ऐसा ही सब प्रीचर्स लोगों का फ्री चेकअप चल रहा है, आमिया सर मेरे चेक करा रहे ब्लड शुगर। मुझे तो कोई समस्या नहीं है ब्लड शुगर का, लेकिन फिर भी एक बार चेक करा लेता हूँ कैसा क्या है। भाई आप भी कराएंगे चेक? नहीं कराएंगे, ठीक है, एक बार करा लो, देख लो कैसा है। तो यहाँ पर ब्लड शुगर फ्री चेकअप हो रहा है, और मैं यहाँ पर आपको एक भूटान से हमारे ब्रदर आए हैं, वो ब्रदर भी दिखाना चाहूँगा, भूटान से आए हुए ब्रदर। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, आई रियली लाइक योर ड्रेस, इट्स वेरी गुड, कैन आई रिकॉर्ड इट? या सो दिस ड्रेस इज कॉल्ड भूटनीस ड्रेस, नेशनल ड्रेस, एवरीवन वेयर्स इट। तो ये जो शूज़ लगाया है भाई ने, ये नॉर्मल शूज़ है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये जो है ये ऑफिशियल ड्रेस है, गवर्नमेंट में ये लगाते हैं, ये ऑफिशियल भूटनीस ड्रेस है, लेकिन इसमें जो ऐसा शूज़ नहीं चलेगा अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको लेदर शूज़ लगाना पड़ेगा, और जो सॉक्स होगा वो सॉक्स यहाँ तक होगा, घुटने तक सॉक्स और लेदर शूज़ होना पड़ेगा, तभी एक्सेप्टेबल है, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है।
सो इसका पॉकेट देखो कितना बड़ा पॉकेट है यहाँ से यू कैन इवन फिट एवरीथिंग हियर बिगेस्ट पॉकेट इन द वर्ल्ड सो नाइस वी नेपालीज हैव डिफरेंट कास्ट्स हैव डिफरेंट ड्रेसेस दिस काइंड ऑफ नॉट लाइक दिस बट समथिंग लाइक दिस शेरपास और थापास Officially has to be here. Yeah. We cannot put down. No. In case like if you put down, there is like a, they used to meditate in monks. Yeah. And come back, they dress, but they're still here. तो हमारे ये हमारे भूटान के भाई हैं ये वो भी प्रीचर हैं तो यहाँ पर आए थे काफ़ी अच्छा लगा नाइस टू मीट यू ब्रदर थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर ड्रेस ओके ओके तो खाना वाना खा लिया है मैं वीडियो नहीं बना पाया खाना खाते हुए भूल गया इतना खतरनाक भूख लगा था सुबह से कुछ नहीं खाया था तो खाना खाया तो मैं भूल गया रिकॉर्डिंग करना भी काफ़ी अच्छा कुकिंग था मणिपुरी स्टाइल कुकिंग विथ ड्राइड फिश एंड किंग चिल्ली बाप रे इतना खतरनाक तीखा लेकिन मज़ा आ गया खाने में तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर तो बुक भी लेके आ रहे हैं साथ में आप लोगों को भी कुछ बुक्स मैं बांट दूंगा लेकिन केवल इंग्लिश में है बुक्स तो थोड़ा मुश्किल होगा तो इंग्लिश और नेपाली लैंग्वेज में है बस तो अगर आप लोगों को बुक चाहिए तो बताना मैं एक बुक है मैं आपको दिखाऊंगा आगे अभी आगे जाके तो हम लोग सब जा रहे हैं सर चला रहे हैं भाई ठीक ठाक यस बहुत बढ़िया ये जगह भी जो वाला है रिहैब सेंटर ये हाँ ये वाला तो अभी हम लोग वापस आ गए हैं मैं स्कूटी लेके आया था अपना स्कूटी सर के घर पे रखा उसके बाद में हम लोग गए इस गाड़ी में जाके तो सर वेरी वेरी थैंक यू थैंकू मुझे आपने आप लेके गए और बहुत अच्छा सा बात सीखने को मिला सर हर वक्त ये परमेश्वर का दया होता है जब हम कुछ नया चीज़ सीखते हैं परमेश्वर के वचन से केवल एक दूसरे से नहीं लेकिन अलग से भी सीखना जरूरी है जो समान डॉक्ट्रिन और समान क्या होता है शिक्षा देता है उन लोगों के साथ कभी कभी मिलना जरूरी है ताकि नया लोगों से नया नया चीज़ सीखने के मिलता है इसीलिए मैं आशीष भाई को और हमारे चर्च के और दूरदर्शन को लेके गया था ताकि हम लोग कुछ सीख पाए और परमेश्वर के आशीष से कि हम लोग बहुत कुछ सीखें ठीक है और इसमें क्या होगा कि जब हम सीखेंगे हम आप लोगों को भी सिखाएंगे थैंक यू वेरी मच सर तो मैं बाइबल लेके आया हूँ तो ये जो बाइबल है एक्चुअली यहाँ पर है ये एक्चुअली जो बाइबल है ना मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आप लोगों को देने के लिए ये रोमियो की पुस्तक से जॉन एंड योहन्ना और रोमियो की पुस्तक से बाइबल है खाली ये दो योहन्ना सुसमाचार और रोमन्स का जो पुस्तक है लेटर है तो ये उस विषय में है बहुत अच्छा बाइबल है ये जो उद्धार पाना चाहते हैं और अच्छे से यीशु मसीह को समझना चाहते हैं ये दी मार्क एडिशन है सी पेज नंबर 42 तो ये पेज नंबर 42 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर ऐसा मार्क किया देखिए इसको मार्क किया हुआ है इसको पढ़ेंगे फॉर ऑल हैव सीन टू एंड कम शॉर्ट फॉर द शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड तो फिर इसको बाद में नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा है वन पेज टर्न टू पेज 46 फिर यहाँ पर 46 का गया फिर यहाँ पर 46 में जाएंगे तो ये बहुत अच्छा बाइबल है हाँ शॉर्टकट में सुसमाचार कैसे सुनाना है उस वचन का भी दिया गया हाँ फिर उसी से रिलेटेड यहाँ पर 46 का यहाँ पर देखो ये मार्क किया हुआ है ऐसा करके दिया हुआ है फिर ये पढ़ेंगे फिर नीचे आएंगे फिर यहाँ देखेंगे ये देखिए टर्न टू 44 पेज ये देखिए टर्न यहाँ ये देखिए टर्न टू 44 पेज फिर 44 में जाएंगे 44 में हमें सुसमाचार कैसे प्रचार करना है उस हिसाब से दिया हुआ है ये वाला थोड़ा आधा कटा हुआ है लेकिन बाकी सब अच्छा है बाकी सब ठीक है तो ये बाइबल मैं आप लोगों को भेजूँगा लेकिन ये है कि आप सबको भेजने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो जिस जिस को चाहिए आप क्या क्या करिए कि आप ना फ़ोन करिएगा मुझे या तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिएगा और कांटेक्ट करने के बाद में फ़ोन कीजिएगा या तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिएगा और
मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, पोस्ट ऑफिस में कितना लेता है एक इसको भेजने के लिए मुझे नहीं मालूम, वो कंफर्म करूंगा। आप बस उतना अमाउंट भेज दीजिए, कितना 40-50 रुपये लगेगा शायद भेजने में, पता नहीं कितना लगेगा, आप उतना भेज देंगे तो मैं आपको भेज दूंगा आप सब अलग अलग जगह में जिस जिसको चाहिए। ठीक है, खैर तो अभी चलते हैं घर। बाय बाय सर, बाय बाय, बाय बाय, ओके सर, ओके। तो चलो चलते हैं, अभी कॉटेज मीटिंग में जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष देते हैं। जय मसीह की।